ये इस धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसी कारण रेस के घोड़ों को यह दाल खिलाई जाती है। इसे आजकल हॉर्स ग्राम कहा जाता है, बाजार में इसे दुर्भाग्य से हॉर्स ग्राम कहा जाता है। इसे तमिल में कोल्लू, दूसरी भाषाओं में हुरुली और तेलुगु में उलू उलू कहा जाता है। तो यह बहुत अच्छी चीज है, इसे अंकुरित करना अच्छा है। अगर इसे अंकुरित किया जाए तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं। इसे एक कटोरी में रखिए अपने कमरे में, एक सफेद कपड़ा लीजिए, इसे उसमें रख दीजिए। लगभग 6 से 8 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद इसे एक कपड़े में बांध कर रख दीजिए। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने पर आप इसे कच्ची खा सकते हैं। अगर ये बीज से लगभग आधी इंच बाहर आ गई है तो आप इसे कच्ची खा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है, चबाकर खा जाइए। ये बहुत अच्छी है। अब ये शरीर में गर्मी बढ़ाएगी। आज सूरज चढ़ा हुआ है और मान लीजिए आप कोल्लू पीते हैं या खाते हैं और आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो आपको मूंग खाकर इसे संतुलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करते हैं। ओ, क्या ये सब जरूरी है? क्या मैं बस अपना खाना नहीं खा सकता? मैं आपको बस खाने को कह रहा हूं, मैं आपसे कोई अनुष्ठान करने के लिए नहीं कह रहा। पर फिलहाल आप बस खाने का रिवाज पूरा कर रहे हैं। आप वैसे नहीं खा रहे जैसे इंसानों को खाना चाहिए। अगर आप किसी जंगली जानवर को देखें तो वे बस बेतरतीब चबाते हैं, चौंप 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 वे खाते हैं, पर वे अंधाधुन भोजन नहीं करते। वे उसे नहीं छूते जो उन्हें नहीं चाहिए, वे वही खाते हैं जो उन्हें चाहिए। अगर कोई हिरण दिखाई दे तो आप उसे देख सकते हैं, वो चर रहा होगा। आप बस देखिए कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, उसे बस पता होता है। बस यूं ही वो महसूस करके जान जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। आज के लिए, कल हो सकता है कि वो कोई ऐसी पत्ती खाए जो उसने आज नहीं खाई, पर आज उसे पता है कि उसके शरीर और आसपास के वातावरण के हिसाब से क्या खाना है। तो आपको भी ये थोड़ा बहुत विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर की बुद्धिमानी है। तो कुलथी खाने से शरीर में गर्मी पैदा होगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है? आप पाएंगे कि आपकी आंखों के गोलक गर्म हैं, या आप पेशाब करना चाहेंगे, पेशाब भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं आएगा, आपको तकलीफ होगी, इसका मतलब है गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप थोड़ा पेट का जूस पीजिए, या थोड़ी मूंग खाइए, या थोड़ा अरंडी का तेल ले लीजिए, और नाभि पे, अनहत पे, विशुद्धि पे, इस जगह और कानों के पीछे, ये 2 स्थान अगर आप लगाते हैं तो तुरंत 5 मिनट के अंदर सिस्टम ठंडा हो जाएगा। बाथरूम में जाइए, सब कुछ बिना प्रयास के हो जाएगा। तो शरीर को मैनेज करना जरूरी है। अभी भी आप मैनेज किए जा रहे हैं, पर अगर आप सचेतन रूप से ऐसा करते हैं तो ये बेहतर काम करेगा। ये इतना सरल है। अगर आप अपने सिस्टम को एक ऊंचे आयाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं Then you have to watch it. तो आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह जियो और मर जाओ तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे खाइए। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कचरा भी खाते हैं तब भी आप जिएंगे। पर ध्यान से खाना और देखना कि शरीर को क्या चाहिए, ये शरीर को कई तरीकों से सक्षम बना देगा। चेतना से मैनेज करना है, सेहत के लिए पागल होना नहीं है। ऐसा नहीं होना कि आप में खाने को लेकर तनाव पैदा हो जाए कि मैं क्या करूं कैसे करूं, यह अपने आप में गलत है। सिर्फ सचेतन होना, क्या कितना खाना है, आज शरीर की जरूरत क्या है, बस ये ध्यान रखिए।